देखना भाई आवाज वगैरह आ रही है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पर। कौन बोला हम नहीं आएंगे? हाँ भैया, ना ना तबीयत खराब होनी है, लग जाएंगे वो यार। आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरे आने से पहले खबर पहुंचेगी कि मैं नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, पहुंचेंगे बिल्कुल टाइम पे। क्लास नंबर 3 है कहना, तो करे भाई शुरुआत, फटाफट आ जाइएगा जल्दी। आज सर क्लास नहीं ले पाएंगे, कौन बोला था ये बताओ पहले। आगे बढ़िया, जो जो आगे शाबाश है। सर 15 मिनट लेट फाइन दो। क्यों? 12:15 क्लास होगी, 15 कैसे होगा? 12 बजे क्लास लगी थी क्या? तो बेटा 12:15 की टाइमिंग होती है, टाइम टीम ने कुछ गड़बड़ करी होगी। 12:15 ना 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 ना, डेली 12:15 होती है। आज तो मैं फाइन ले लूँगा, स्टाफ से किसी ने गड़बड़ कर दी हो तो मेरी गलती नहीं भाई। कल देखो पिछली सारी हिसाब लगा लो, 12:15 ही क्लास होती, 12 क्लास ही नहीं होती। अरे चीटिंग नहीं चलेगी भैया, उसको बोलिए जरा 12 बजे की क्लास जब 12:15 क्लास होती है। चलो आ जाओ। 80 सवालों तक का सफर हो चुका था पूरा। बीपीएससी के साथ ये किताब आपके आएगी काम। फिलहाल आपके सामने आते हैं भैया। अगर देखो रोज 12:15 ना होती हो तो बताओ, मेरे को नहीं पता बेटा। मैं 12 बजे लगा दी होगी उन्होंने, 12 बजे है ना। अच्छा ठीक है, फाइन ले लेना बाद में, अभी पढ़ लो फिर फाइन दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, दे देंगे। आ जाओ। यहाँ दो सवाल आता है आपके सामने। क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड बाय, है ना, पोस्चर्स। तो आपने देखा होगा कि जो मगरमच्छ होते हैं वो आजकल ना मार दिए जाते हैं, और जो मगरमच्छ मार दिए जाते हैं, देखो मगरमच्छ के हिस्से में तुम फंस जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। हाँ तो चलेगा, आगे देखेंगे यहाँ सवाल के साथ। चलो चलो, बाद में देखूंगा, निमटूंगा तुमसे। क्वेश्चन नंबर 81 में अगर आप देखेंगे, क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड बाय, तो क्रोकोडाइल्स किसके क्यों मारे जाते हैं? सींग के लिए नहीं, इनके लिए रहीनोस मारे जाते हैं। त्वचा के लिए, टीथ के लिए, दांत के लिए नॉर्मली हाथों के साथ वो हाथी जो होते हैं, और खुशबू के लिए आप छोड़ दीजिएगा। बट आपके सामने अगर सवाल आएगा तो याद रखना, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं जो मारे जाते हैं वो क्यों मार दिए जाते हैं? स्किन के लिए। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, खुशबू के लिए भी कोई होता है? खुशबू के लिए भी कौन होता है वो बताइएगा। खुशबू के लिए आप किसको मार देते हैं? फिलहाल यहाँ पे जरा समझिएगा। मगरमच्छ के शरीर के सभी अंग अवैध रूप से क्या है, काला बाजार में बेचे जाते हैं। में मुख्य रूप से उसकी क्या है, त्वचा के लिए मारे जाते हैं। इसकी त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से क्या है, लग्जरी बैग के लिए, बेल्ट के लिए, जूते, पर्स और क्या है, असबाब। असबाब होता है जो गांव घरों में जो काम आती है ना सामग्रियां, उससे रिलेटेड। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर। अच्छा अगर कोई तुमसे ये वाली बात पूछेगा तो ये जवाब याद रखना मेरे बच्चे। जैसे सिंगों के लिए आपने देखा होगा वो होता है ना, रोहिनोज होते हैं, है ना, उनके लिए। त्वचा के लिए, दांतों के लिए आपने हाथी को। खुशबू के लिए अगर कोई पूछ लेगा तो नॉर्मल आप इसे कह सकते हैं हिरण, है ना। तो डियर, हिरण के लिए भी अगर आप होगा मस्ट डियर, बहुत बढ़िया रोमा, शाबाश, है ना। कस्तूरी हिरण है, हिरण है, इस तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे पास, है ना। कस्तूरी जो हिरण है वो क्या है, मारे जाते हैं उसकी वजह। अब आता है आपके सामने नया प्रश्न जो आपसे पूछना चाहता है कुछ इस प्रकार से कि आपको बताना है, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरिया दैट हैव सैलाइन वाटर आर टर्म एज। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अब थोड़ा सा ना, जो पौधे क्या हैं, खारे, उसमें पूछ रहा है। नंबर 82 का जवाब दीजिएगा। आपके सामने एक सवाल आया ये वाला, मृग हिरण को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बेटा, ऊपर पे उस पर लिखा होता है उसके लिए। तो अगर आपके सामने यहाँ सवाल आ रहा है नया हमारा, जिसने हमसे ये वाली बात पूछी है कि आपको बताना है कि जो खारे पानी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको बताना है ये वाली बात कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या बोलता है? इन्हें हेलोफाइट बोला जाता है, मिजोफाइट बोला जाता है, ज़ेरोफाइट बोला जाता है, हेलियोफाइट बोला जाता है। तो ऐसे पौधे याद रखना मेरे बच्चे जिसको होता है, अगर खारे पानी में होगा तो इसका मतलब याद रखना खा रहे हैं ना, है ऐसे ना जवाब आती है ना, जब करते टाइम खारा पानी है ऐसे करता नहीं है, तो इस तरीके से। अगर ये वाली बात दूसरी तरफ अगर इसमें जाओगे तो बस याद रखना है, तो ये इशारा और ये याद रखना, खारा पानी आते हैं ना ऐसे करते ना ऐसे, तो आपकी आवाज आती है, तो याद रखना इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेलोफाइट। क्या बोला जाता है? हेलोफाइट। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया उससे मैक्सिमम लोग इस सवाल का जवाब सी दे रहे हैं, जो क्या है, गलत है, ज़ेरोफाइट नहीं। अब एक जानकारी आपके सामने रखता हूं, यहाँ देखो जरा। जो हेलोफाइट होता है, लवणोविद जिसको बोलते हैं, ऐसे पौधे जो स्वाभाविक रूप से नमक दूषित वातावरण में जीवित रहते हैं और लवणता सान्द्रता को 1 मोल NaCl तक क्या है, सहन कर सकते हैं। विश्व की कुल वनस्पतियों का लगभग 1% जो डाइकोट और मोनोकोट दोनों हेलोफाइट लवण्य पौधे हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने क्या है, मैग्रोव। तो अगर इसमें जवाब होगा तो याद रखना इसको क्या बोला जाता है, हेलोफाइट। तो अगली बार से याद रखना है ना, जब मन खराब हो जाता है तो करते हो। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो खारे पानी को कैसे याद रखे होगा, इशारा करके बताओ। सोच लो मैं तुम्हारे सामने हूं, सोचो मैं तुम्हारे सामने हूं, कैसे एक्सप्रेशन दोगे, है ना, बताओ जरा, एक्सप्रेशन देके दिखाओ। तो यहाँ सवाल का जवाब तो तुम दे दिए भाई, बहुत बढ़िया है ना। अब आपने दिया नंबर, नेक्स्ट आएगा 83 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप दैट आर नेटिव टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। अब हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी होते हैं, संथाली होते हैं, गद्दी वाले होते हैं, गोंड ट्राइब होती है, या फिर आपका सहाविनिया होता है। बताइए कौन सा होता है जी। ही, अरे ही नहीं करना, वो तो हंसी वाला हो गया। चलो तुमसे एक्सप्रेशन भी नहीं बनाने आते, बताओ। एक बच्चा पूछ रहा, सुरुचि सर जी कमर पर हाथ रख के क्यों पढ़ाते हो। बेटा बूढ़ा हो गया इसलिए कराता हूँ, कमर इधर उधर सटक ना जाए, है ना। लचकी कमरिया मेरा मुचका, वो गाना है ना, अरे गाना याद नहीं आ रहा, मोरी लचकी कमरिया कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, बस वो याद आता इतना है ना। ये मैंने सुना था एक बार रील पे, जिसमें ना बोले हाय हाय। अरे तुम कुछ भी नोटिस करते हो, मतलब मेरी कमर पे हाथ रख के पढ़ाने से कुछ दिक्कत हो जाती है। कमाल है, देखो सुरुचि पगली है, पगलेट, इधर देख जरा। तो बेटा अगर नंबर 83 का जवाब दोगे तो 83 में याद रखना, जो हिमाचल में बेटा ट्राइबल ग्रुप माना जाता है उसको बोला जाता है गद्दी जनजाति। क्या बोला जाता है, गद्दी जनजाति। तो इसको याद रहे, गद्दी जो ट्राइब होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो जिन्होंने जवाब दे दिया है बी, वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसकी जानकारी में थोड़ा सा लो, इसको स्क्रीनशॉट पे ध्यान रखना, डिटेल में चलेंगे यहाँ पर। हैं, पतली कमरिया मोरी हाय हाय, हाँ ये वाला सही है। तो गद्दी जो जनजाति के लोग हैं मुख्य रूप से कहाँ, भारतीय राज्य के हिमाचल प्रदेश में, और कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बेटा याद रखना। यह क्या है, इंडो आर्यन अर्थात देहाती जातीय भाषी जनजाति मानी जाती है। यह अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से क्या है, चंबा जिले के रूप में पाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर गद्दी जनजाति वाले लोगों ने मान लीजिएगा सीटेट का फॉर्म भरा होगा, और सीटेट का फॉर्म भरते टाइम उनके सामने आया होगा कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी आई, एक ओबीसी कैटेगरी आई, एक एससी कैटेगरी आई, और एक एसटी कैटेगरी आई। तो बताओ वो कौन से वाले ऑप्शन को भरेंगे। मतलब अगर गद्दी जनजाति वाले लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो ये बताओ वो कौन से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर पतली कमरिया है वो, लचकी कमरिया नहीं। अरे मेरे को नहीं पता यार, तुम भी ऐसी बात कर दो। चलो सवाल का जवाब दो। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, ये वाली बात, अगर गद्दी जनजाति के लोग सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो वो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। निधि तिवारी बोलती है एससी, नेचर किड बोलते हैं एसटी। सामने अलग अलग जवाबों के साथ आते हुए। तो एक बात याद रखना, अगर कोई भी इस बारे में आपसे कोई जानकारी मांगेगा तो बेटा याद रखना, एक होता है देखो, अगर आप जाते हैं तो याद रखना, एक होती है शेड्यूल कास्ट, एक होती है शेड्यूल ट्राइब, है ना। एक होता है जिसे आप जाते हैं अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो जब भी आप इसमें जाएंगे तो याद रखना किसके साथ फॉर्म भरा जाएगा, एसटी के रिजर्वेशन के साथ। आगे देखो नया प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, आपको बताना है ये वाली बात कि जो हमारा अरबियन सी होता है, इसके वन साइड 3 राज्यों का एक समूह, जिसे एक तरफ क्या है अरब सागर, मतलब आपको बताना है हिंदुस्तान कैसे 3 राज्यों का समूह जिसके एक साइड आपको क्या देखने को, एक तरफ क्या है अरब सागर है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब दीजिएगा क्या होगा जी। हाँ जी बेटा एसटी होगा। तो अगर आप इस सवाल का जवाब देख रहे हैं यहाँ पर तो आपके सामने आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 का जवाब देना है आपको कहाँ जी। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अरब सागर की साइड अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को क्या है, महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ में क्या है केरला। तो अगर इसमें जाके बात करोगे तो मेरे बच्चे याद रखना हमेशा क्या होगा, केरल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसे याद रखना KKM से। क्या याद रखोगे, KKM से। तो KKM जो याद रहेंगे, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वो वन साइड क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले अब आपने यहाँ से देखा है तो इस सवाल के जवाब के साथ आपने एक जो चुना है वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने आप से करते रहना, मैं नहीं बोलूंगा बार बार। अरब सागर के लगे भारतीय राज्य संघराज्य क्षेत्र में नॉर्मली क्या है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन है, दीप है, कर्नाटक है, केरल है, दमन दीप एक ही होता है, केरला है, लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर तुमसे कोई पूछेगा कौन से हैं तो याद रखना ये राज्य हैं आपके सामने। ठीक है जी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला उसमें ऑप्शन था। फिलहाल यहाँ आपने जवाब दिया बिल्कुल सही। आगे देखेंगे नया प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है हमें ये क्या आप बताएंगे विच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का तोहफा किसे बोला जाता है। एशिया का तोहफा किसको बोला है। एशिया का तोहफा का मतलब यहाँ होता है इस बात के साथ कि ये जो फसल होती है ना, ये ज्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ मिलती है, एशिया में ज्यादा मिलती है। कहाँ पर मिलती है, एशिया में ज्यादा देखने को क्या है, मिलती है। 85 में अगर जाओगे तो इसलिए हमारे क्या है एशिया का। तो आप लोगों को फिलहाल आपका एक होमवर्क नहीं क्लास वर्क है, और वो ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि एशिया के है ना, एशिया में बेटा कोई भी आप लोगों को ये बताना है 5 जो कंट्री हैं, 5 जो देश हैं, एशिया के 5 देशों का नाम आप मुझे बताएंगे अभी के अभी। आपका समय शुरू हो रहा है अब, चलेगा। 5 नाम आप बताएंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब जितने भी मेरे बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बच्चे याद रखना चावल से ज्यादा जो है वो क्या है, राइस है। शुगर केन कम होता है, जो कम होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या है, एशियन राइस। आप समझेंगे चीन में भी, हमारे यहाँ भी, उसके बाद ही तो बहुत जगह आप देखें तो राइस जो होता है उसे क्या बोला जाता है, एशिया का क्या है, गिफ्ट बोला जाता है। 5 अगर आपको नाम लेने हो तो आप किसका नाम देंगे जी। एशिया में अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर जब आप एशिया के उसमें नाम ले रहे होंगे तो आपके सामने भाई कितने नाम आ सकते हैं। अरे अपने आजू बाजू में लिख लो, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद इधर जाओगे तो श्रीलंका हो गया, और इधर जाओगे तो आपका भूटान ले लो, म्यांमार ले लो, है कि नहीं। तो बेटा ये हाँ, और नहीं तो देखो अपनी दोस्ती में तो जो दुश्मनी, नहीं तो ये क्या है, चाइना ले लो, है ना। तो इसमें SC याद रखना, इसमें IPP याद रखना, है ना, या आप इसे PIB प्रेस इंडियन ब्यूरो, उसके बाद SC भी याद रख लेना। 5 यहाँ से याद हो जाएंगे। अब आपके एशिया लोगों के लिए चावल क्या है, मुख्य खाद्य है। एशिया दुनिया के चावल की कुल आपूर्ति का लगभग, याद रखना अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड 100% का होगा तो उसमें से मेरे बच्चे अगर पूरा लेके चलोगे तो याद रखना ये जो पूरा का पूरा जो 90% है, इसमें जो राइस आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एशिया में। बाकी रेस्ट आपको दिखता है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। नया प्रश्न आपके सामने आता है, नेपाल बोल सकते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान बोल सकते हो, ईरान बोल सकते हो, म्यांमार बोल सकते हो, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए नया सवाल आपके सामने आता है, और जो नया सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं उसमें हमने आपसे पूछा एक जवाब ये वाला। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन द इकोसिस्टम, अब जो परितंत्र में तत्वों के जो चक्रण होता है, जो चक्कर होता है, उसको क्या बोला जाता है। इसको जियोकेमिकल साइकिल बोला जाता है, जियोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है, केमिकल या बायोलॉजिकल, मतलब जैव भूमि रासायनिक बोलते हैं, भूवर्गीय बोलते हैं, रासायनिक बोलते हैं, जैविक। अब देखो जो हमारा परितंत्र पूरा ये चक्कर काटता है, इसको हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 86 है, जल्दी जवाब। चलिए, तो आपने जब इस सवाल का जवाब दिया नंबर 86 का, तो 86 का जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दे रहे हैं, अगर वो जवाब दे रहे हैं इसको जो बोला जाता है, याद रखना असाइकिल एलिमेंट इन इकोसिस्टम में जो आता है तत्वों के चक्रण को जो बोला जाता है। तो जब आप 86 नंबर देखेंगे तो इसका जो जवाब होगा, इसको नॉर्मली सब लोग जैविक चक्र बोलेंगे, जी नहीं, पूरा मिलाएंगे तो इसमें बायो, ज्योग्राफिकल, केमिकल, साइकिल, तो इसको जैव भूमि रासायनिक चक्र जो बोला जाता है, इसलिए जवाब होगा आंसर नंबर A। और लगभग बहुत कम लोगों ने इस सवाल का जवाब A सही दिया है, बाकी सारे लोग हो गए गलत। आगे बढ़ेंगे, हमारा नया सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, एन एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बेटा याद रखना, अगर इसे याद रखोगे तो इसे याद रखने का जो तरीका होगा वो याद रखना, इसको क्या होगा, BCG। क्या याद रहेगा, BCG, बायो भी रहेगा, केमिकल भी रहेगा, ज्योग्राफिकल भी रहेगा। इसकी यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्रण को क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें क्या है जीवित जीव भी हैं, भू चट्टाने भी हैं और वायु और क्या है जल भी हैं कहा। इसका मतलब सब कुछ आ जाता है, और जब सब कुछ आ जाता है तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों ने गलत जवाब दिया है सॉरी बोलो। एक जैव भूवि रासायनिक चक्र एक मार्ग है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ पृथ्वी से जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल घटकों से होकर क्या है गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल था, आगे बढ़ेंगे। नया सवाल अब आपको बताना है कि जो इंडियन रीन्यूज गैंडे होते हैं, भारतीय जो गैंडे हैं वो कहां पर सुरक्षित पाए जाते हैं। आपको ये भी बताना है कि जो भारतीय गैंडा है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। ब्रांड एम्बेसडर होता है मतलब इन चीजों को बताने के लिए इनके एक ब्रांड एम्बेसडर चुने जाते हैं और चुने गए हैं, वो कौन है जी। आगे बढ़ते चलिएगा, बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। तो सॉरी बोल दिया तुम लोगों ने, शाबाश। अब सवाल का जवाब जिनका राइट था शाबाश भाई, भगवान उनको और सारे राइट सवाल दें। जिनका गलत था वो अगला गलत ना करे। चलिएगा, अब अगर आपके सामने ये आ जाता है तो अगर कोई पूछेगा ये कहां पर सुरक्षित माने जाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। कहां पर, गिर नेशनल पार्क जी नहीं, कान्हा नेशनल पार्क नहीं, बेतला नहीं, यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है, काजीरंगा। अब आपको मेरे को दो बातें बतानी है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपको ये बताना है कहां पर है, जल्दी बताइएगा। देखो रहीनों से रिलेटेड आपको एक चीज दिखाता हूं। आपने रोहित शर्मा को कभी अगर देखा होगा है ना, तो देखिएगा जरा यहां पर है ना, मैं आपको जो दिखाना शायद आपको दिख जाएगा। देखिए यही फायदा होता है किसी चीज का, तो एक बढ़िया सी HD अगर मिल जाएगी। ये क्या हुआ था, रोहित शर्मा जो है ना, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तो इनके जो शूज पे था, यहाँ पर भी अगर ध्यान से किसी को दिख जाएगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे बच्चे ध्यान से देखना इस शूज को है ना, सेव द रहीनो जो आया था। तो ये सवाल अगर लेटेस्ट पूछ लिया जाए तो रोहित शर्मा को देखना यहाँ, अगर तुम्हें दिख रहा होगा ना इस फोटो के साथ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या बना हुआ है देखो, गेंडा बना हुआ है। तो एडिडास का जो शूज पहने यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ क्या लिखा है, सेव द रहीनोज है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर कोई पूछेगा तो याद रखना इसके साथ क्या होगा। तो रोहित शर्मा जो है इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारतीय टीम के वनडे टीम के कप्तान है, मतलब कप्तान भारतीय टीम के जो हैं उनका रोहित शर्मा जो है वो क्या है, सेव द रहीनोज कैंपेन के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियर भाई। अब दो तीन चीजें हैं आपसे ये भी बताइए, जो काजीरंगा है ना, जो काजीरंगा है वो कहां पर है ना। काजीरंगा जो है आपको ये भी बताना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क वो कहां है। चलिए कुछ ले लेते हैं, गिर जो है वो कहां पर है, गुजरात में है। गिर कहां पर है, गुजरात में है। आपको बताना है मेरे सामने काजीरंगा, कान्हा और बेतला, फटाफट बताते चलिएगा जी। हाँ सर जी आप कहाँ कहाँ देखते हो, बेटा मैं सारा चीज देखता हूँ, दिख गया। चलेगा, तो यहाँ आपके सामने अगर बात करते रहे, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको बताना है कहां पर है। सारे काजीरंगा कहां बता दिया आपने, आसाम में, बहुत बढ़िया। चलिए एक तो जानकारी आपने अद्भुत दी। बेतला भी बताओ और कान्हा भी बताओ, आगे लिख के बताओ। कान्हा के आगे कान्हा, बेतला के आगे क्या है, जल्दी जी। ध्यान कम जाएगा, नहीं मेरे बच्चे यही तो है ना। हाँ आसाम में क्या है, एक सींग वाला क्या है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसाम हमारा स्टेट है, शाबाश बहुत बढ़िया। अच्छा बिल्कुल, अगर आपके सामने कोई पूछेगा तो जो आपसे पूछेगा यहाँ पर जो बेतला है, तो बेतला याद रखना बेटा कहां पर है, झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में क्या है, बेतला है। अब बस कान्हा बचा, कान्हा बहुत फेमस वाला है। बेतला नैनीताल में दे रहे हो, कान्हा MP में दे रहे हो। कान्हा कहां पर है, MP में दे रहे हो, यूपी में दे रहे हो, गलत। अलग अलग जवाब दे रहे हो, अलग अलग जगह। कान्हा कोई यूपी में दे रहा है, कोई MP में दे रहा है। बेतला झारखंड में है, कान्हा जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश MP में है, राइट। चले, हाँ कान्हा जो है वो कहाँ पर, बेतला राजस्थान में। तुक्के मार रहे हो मेरे यार, हैं कमाल ही कर दे रहे हो बिल्कुल, अरे गधेड़े हो। आओ यहाँ ध्यान दो, आ जाओ यहाँ पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, असम में है। यहाँ एक सींग वाले भारतीय गैंडों का आश्रय स्थल है। यह असम के क्या है गोलाघाट तथा नागोम जिलों में अवस्थित है। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे क्या है ऐड कर लिया गया था, तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा बिल्कुल सही। डन, आगे बढ़ेंगे। कान्हा बेटा जो यूपी नैनीताल में बता रहे डट जाओ है। फिर एक बात बताओ, अगर नैनीताल में हुआ है तो ये बताओ जिम कॉर्बेट कहां पे रहे? अरे मेरे गधेड़ो, है ना, बताओ जिम कॉर्बेट कहां पर है भैया? फिर अब बोलो अरे सर जी याद आ गया जिम कॉर्बेट ही तो है। अरे है? चलो आ जाएं। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। आगे देख मेरे बच्चे, नया नंबर क्या आएगा? आपसे पूछेगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब बनाया जाता है? बताओ वर्ल्ड जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब बनाया जाता है? जल्दी बताओ। अब अगर ये वाली बात आ गई यहाँ पे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, बेटा इसको याद रखना, अभी 5 जून को हमारा क्या है विश्व पर्यावरण दिवस था, ये हमने जान लिया था। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हमारा कब बनाया जाता है? जो मेन है वही बता रहा हूँ बस, पर्यावरण दिवस। अच्छा, अगर इसी में 22 मई है और 22 अप्रैल जो होता है, जो 22 अप्रैल होता है, 22 अप्रैल को मेरे बच्चे बनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। उसके बाद अगर इस सवाल का जवाब दोगे तो तुमने बिल्कुल सही, 8 मार्च जो है वो महिला दिवस बनाया जाता है। 8 मार्च को क्या है महिला दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे कोई पूछेगा कि 22 मई, तो 22 मई जो है वो हमारा क्या हो गया? अब 22 मई जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है जी, याद रखना मेरे बच्चे, एक एक चीज को कनेक्ट करते चलेंगे। तो 88 का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा, जिन लोगों ने मेरे बच्चे ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर दी। चलो इसके बारे में ये रहा। विश्व जो जैव विविधता दिवस है या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है और इसकी शुरुआत करने वाला क्या है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। नया सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कल से समझिएगा। अब एक चीज मैं बता दूं भाई, कल से हम लोग मिलेंगे, ठीक वही जवाब आ रहे, बट कल एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत होगी, जैसे ये चल रहा है तो पैडागोजी स्क्वायर के हिसाब से जो संपूर्ण संपूर्ण ईवीएस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना संपूर्ण आप सीडीपी के साथ जाएंगे, बट कल से मेरे बच्चे सीडीपी में एक क्या होगा? पीवाईक्यू होगा। पीवाईक्यू तो एक होगा पिछले साल का कोई सीजन, उसके साथ साथ कॉम्बो चलेगा। कॉम्बो का मतलब होगा डेली। अगर यहाँ सीडीपी होगा तो सीडीपी के साथ ही एक चीज ऐड हो जाएगी, जैसे एसएसटी पैडागोजी। किसी दिन आपको सीडीपी के साथ एसएसटी पैडागोजी देखने को मिलेगी, किसी दिन आपको साइंस पैडागोजी देखने को मिलेगी, किसी दिन आपको मैथ्स। तो इसका मतलब एक पंथ दो काज, याद रखना क्या होगा? एक पंथ दो काज। ठीक है भाई, चलेगा। हाँ, जल दिवस मनाया जाता है बेटा 22 मार्च को, एक महीना पहले। तो कल से ये जो समय होगा इसमें ईवीएस भी आ रहा है जैसे आया, तो इसका मतलब सारा कवर करके चलेंगे। डन, कैसा रहेगा? मजा आएगा, नहीं आएगा? लाइट गई, कोई बात, अभी चलेगा थोड़ी बार, ठीक है। चलो, तो यहां तक अगर जानकारी आ गई तो इसके बाद हमने जो जाना था तो ये सवाल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रिन्यूएबल अगर रिसोर्स आएगा तो मेरे बच्चे याद रखना वो क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। 89 का जवाब जितने लोगों ने डी दिया वो बिल्कुल क्या है? सही है। बिहार के लिए बेटा होगा, बिहार के लिए 2 क्लास होंगी, एक सुबह वाली और एक शाम वाली। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर नया सवाल आपकी स्क्रीन पर आने से पहले ये जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। आपसे पूछा जा रहा है वायु प्रदूषण में से जो बढ़ने वाला रोग होगा वो क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है ये वाली बात कि जो वायु प्रदूषण होता है उससे जो रोग होगा कौन सा होगा? हेजा होगा, गठिया होगा, ब्रोंकाइटिस होगा या फिर हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया मेरे बच्चे याद रखना खून की कमी से होता है, रक्त एक डिसीज, ब्लड डिसीजेस में काउंट किया जाता है। तो नंबर 90 ऑप्शन नंबर ABCD और 90 का जो जवाब होगा, 90 का जो जवाब होगा। रात की क्लास बेटा वैसे ही चलेगी जैसे है, रात की क्लास वैसे ही चलती रहेंगी। डन, नंबर आपके सामने। डिसीज जो है तो याद रखना अगर होगा वायु प्रदूषण के साथ, अगर कभी भी आप देखेंगे तो वायु प्रदूषण से बेटा यहाँ पर आपको हैजा नहीं होता, गठिया नहीं होता, वो जो होता है उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाइटिस। तो जो ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है वो आपको नॉर्मली कहाँ से देखने को मिलती है? हैजा नहीं होगा, जितने लोगों ने हैजा दिया बेटा, हैजा जो है गंदे खाने से होता है। ठीक है, गंदे खाने से होता है। अगर आप उसे देखेंगे एयर, फिर एक बात बताओ, अगर एयर काट दूं और यहां पर वाटर पोल्यूशन का लिख दूं, बताना जरा जल से क्या होगा? है ना, जल प्रदूषण वाले में तो बहुत सारे सवाल होते, गलत खाना गलत उसी। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ जरूर। ब्रोंकाइटिस जो एक फेफड़े या क्या है सांस की दिक्कत का वो होती है जिसमें आप धूल से, धुएं से, वाष्प से और वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को घरघराहट, कफ के साथ लगातार खांसी, बार बार होने वाले सीने में संक्रमण या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों का अनुभव। तो अगर आप में से किसी को दिक्कत है सांसों की, धड़कनों की और ये सारी चीज तो याद रखना है ना, हेजा। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमें समझने होते हैं कि सवाल पूछना क्या चाहता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे तो आपको 91 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो पूछता है कि बताइए नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा ऐसा ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण में निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। नीचे किसके कारण आपसे पूछ रहे कि जो आपका एयर पोल्यूशन है वो किसकी वजह से फैलता है बताइएगा। हाँ, दूषित पानी से होता है, घटिया जन्मजात होता है, बिल्कुल। बहुत बड़े बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। जो नया सवाल आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 91। 91 का जवाब देंगे मेरे बच्चे जल्दी, ऑप्शन नंबर ABCD के रूप में। तो यहाँ एक बात याद रखना, आपसे पूछ रहे हैं ये वाली बात, किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। भूमि की भराई से बढ़ता है, कंपोस्ट से बढ़ता है, कर्मियों को में से खाद बनने से बनता है, भस्म करने से। भस्म करने का मतलब होता है इंसिनरेशन जो होता है ना, इंसिनरेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा ना जो अभी आपने ये देखते हैं ना जो पत्तियां या पालियां जो जलाई जाती हैं, जैसे आप गन्ने की वो करते हो तो गन्ने की जब खेती उसके बाद जो उतरता है, उसके बाद जो वो निकलता है भाई भूसे वाला जो होता है, तो कई सारी चीजें ऐसे। लेकिन जो आप पदार्थ जलाते हैं उसकी वजह से सारी चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। भस्म करना, इसका मतलब इंसिनरेशन जो होता है ना, इंसिनरेशन जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निस्तारण की एक वैसी विधिया है जिसमें ठोस अपशिष्ट को एक भट्टी में जलाकर ताप निस्तारण विधि से निस्तारित किया जाता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, वायु प्रदूषक गैसें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो धान की पराली और ये वाली जो चीज है, बिल्कुल सही गए। अब आपके सामने ये आता है, हाँ गीता दीदी, ए गीता दीदी बिल्कुल है, ये बीपीएससी के लिए क्लास है मेरे बेटा। चलो सवाल देखो, यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं वह स्थान जो कि दीर्घकाल, वो स्थान जो कि दीर्घकाल काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। मतलब आपसे कहा जाता है, आपसे ये वाली बात कहता है आपके सामने जी। चलो अब आपके सामने अगर यहाँ सवाल आ रहा है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो कहना चाहता है आपको ये बताना है कि यहाँ पर वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित, मतलब बहुत लंबा टाइम होगा और वहां से क्या है, बाढ़ से जो है प्रभावित है। तो इस चीज को जो आप बोलते हो क्या बोलते हैं, अलग अलग जवाब आ रहा है बट इस सवाल को जवाब देते हो। अब जब बाढ़ से प्रभावित होगा तो लोग वहां रहेंगे नहीं, और अगर लोग वहां रहेंगे नहीं तो वहां से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ट्रांसफर तो अच्छे वर्ड में लिया जाएगा, लेकिन एक प्लेसमेंट था उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब प्रभावित रह जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज के सवाल थोड़े अलग सवाल हैं। आज के सवाल अब देखो धीरे धीरे भाई क्वेश्चंस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछेगा क्या है, तो वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण बनेगा, क्योंकि बार बार बाढ़ आने से उस स्थान पर रहना क्या हो जाता है, कठिन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। नया नंबर 93, Which is the smallest migratory bird to travel from Arctic region? मतलब वो छोटी जो चिड़िया होती है जो भारत में आती है, कहाँ से, आर्टिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, उसका नाम क्या होता है भाई जी। चलो आगे बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन आज मजेदार आ रहे ना। चलो बस तैयार रहो, धीरे 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 आते हैं। तो आपने जो नंबर नेक्स्ट आया, अब हमारे सामने सवाल है 93। बेटा 93 का जो जवाब होगा, इसको क्या बोला जाता है, लिटिल स्टेंट। क्या बोला जाता है, लिटिल स्टेंट। और मैंने लिटिल स्टेंट के बारे में एक बात वो बताई थी, तुम्हें ये बताना है मुझे ये कितने ग्राम की होती है। मतलब इसका जो वजन होता है इस चिड़िया का, यह ना बताए कितने ग्राम की चिड़िया होती है, और साथ साथ में बताना ये कितनी दूरी तय करके हिंदुस्तान या हमारे उत्तरी दूर से क्या आती है, भारत आती है। इसके बारे में मैंने एक बार और पहले बताया था, ये सवाल बताइएगा। इसके बारे में एक सवाल बताया था मैंने आपको कि इसकी जो वेट बताओ, इसका वजन बताओ जल्दी जी। याद आया कि नहीं आया? कुछ लोग भूल चुके हैं। एक बार अभी रिसेंट, बिल्कुल अनुराधा शुक्ला, रिसेंट में भी पूछा था मेरे बच्चे ये सवाल मैंने, तो जल्दी बताइएगा इस सवाल का जवाब के जो ग्राम बताया था। तो बेटा याद रखना जो लिटिल स्टेंट है, जो लिटिल स्टेंट है, तो याद रखना बेटा वो कितना है, 15 ग्राम है ना। तो इसके बाद वो लगभग 8000 जो किलोमीटर है, तो कहीं पर आपके सामने 2540 ग्राम के आसपास होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये है वो छोटी सी चिड़िया। तो 15 ग्राम भी आपको देखेंगे तो किताबों में अगर ऑप्शन 15 नहीं होगा तो फिर वहां क्या होगा, 2540 थोड़ा सा क्या दे देंगे, ज्यादा। बट एक बात याद बहुत बढ़िया तुम लोगों को है कि यहाँ पर क्या होगा, अगर पूछेगा तो लगभग 8000 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। तो 15 किताबों के साथ अभी थोड़ा सा क्या होगा, हट्टी कट्टी होगी अब थोड़ी सी, है ना। चलो आगे देखो भाई, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। मतलब कौन सा पक्षी ऐसा होता है जिसकी आंख इंसानों की तरह उसके क्या होती है, सामने होती है, बताइएगा। बहुत छोटी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जवाब दें। अच्छा, कुछ लोग 800 ही बता रहे थे, अरे गधेड़ो। चलो नंबर आओ यहाँ, तो नंबर आपके सामने 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 जब आपके सामने आएगा तो ऑप्शन नंबर ABCD में से क्या जाएगा। तो याद रखना आंखें जो सामने की तरफ होती हैं वो भैया, इसीलिए इंसानों को उल्लू बोल दिया था। तुमने कभी ऐसा, किसी ने तुम्हें कहा कि तुम टेलर बर्ड हो, किसी ने तुम्हें कहा तू कोफ्ता है, तू कुत्ता है, तू ऐसे नहीं, कुत्ता तो कहते हैं, मम्मी कह देती है खैर कुत्ता तो, है ना। लेकिन याद रखना है ना, क्या उल्लू की तरह देख रहा है, तो इसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते क्या उल्लू की तरह गर्दन घुमा रहा है, कबूतर की तरह नजरें घुमाते हैं इंसान। लेकिन आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, मैंने क्या उल्लू की तरह क्या देख रहा है, तो उल्लू से देखो यहाँ, याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, उल्लू, उल्लू, बहुत बढ़िया। ये उल्लू जो होता है भैया, ये याद रखना 270 प्लस डिग्री है ना, 270 डिग्री प्लस अपनी गर्दन को क्या है, घुमा देता है। कुछ ज्यादा तेजस्वी बालक हो जाते हैं, वो बोल देंगे सर जी 360 डिग्री घुमा देता है। पगलो, जिस दिन 360 डिग्री कोई घुमा देगा उस दिन नाक कान का जो गर्दन का मनिया टूट जाता है, गाँव में बोला जाता है ये वाली बात, है ना। तो बर्ड वाले टॉपिक में मैंने इसको पढ़ाया भी था आप लोगों को, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो आप कहना उल्लू, ठीक है। ये उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंख मानवों की भांति क्या होती है, आगे ऐसे होती है, और एक दिन यहाँ पे रात में किसे अधिक दिखाई देता है, और गर्दन पूरी तरह ऑलमोस्ट घुमा लेता है, ज्यादा नहीं। ये आपसे एक सवाल है, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज्ड टू टीयर एंड ईट मीट। मतलब जो है, हाँ, बर्ड वाला जो चैप्टर था वो हमने मर्ज करते टाइम यहाँ पर, बिल्कुल। तो आपके सामने एक और सवाल आ गया यहाँ, ऐसे ही 100 सवाल होंगे भाई। ये कल से फिर हम एक नई क्लास के साथ जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये पूरा EVS खत्म होगा, बट फिर भी चलेगा। 95 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ABC में, थोड़ा जवाब दीजिएगा मेरे बच्चे। जो भी मीट काटने वाले और जानवर जो पक्षी होते हैं, इसकी क्या होती है, हुक जैसी, मतलब तुमने देखा होगा इनकी चोंच ना कुछ ऐसे होती है ना, जैसे अंदर डालेंगे खचाक ऐसे निकाल के ले आएंगे, है ना। गलती से भी अगर कभी फंस गए तुम इनके सामने तो काम हो जाएगा। तो याद रखना इस पे क्या हो, हुक बीक वाला। और ऐसे में जैसा आपने देखा होगा, तो इसमें आपने बाज, गिद्ध, ये वाले देखे होंगे, है ना, बहुत खतरनाक होते हैं। जिस दिन तुम इनके कब्जे में फंस जाओगे, बचा सकते हैं, बच के भी नहीं आओगे। तो ये क्या करते हैं, मांस और इस चीज को, इसके बारे में जानकारी हम पहले ले चुके हैं, तो इसलिए इसकी जानकारी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्री डेजर्ट ऑक इज नॉट करेक्ट। मतलब आपसे पूछ रहे, एक होता है जो आप रेगिस्तानी जो ओक होता है, उस पेड़ के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, बताइएगा। नंबर आपके सामने जब आया तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो जवाब दीजिएगा। तो जब आप यहाँ जवाब देते हैं 96 का, तो सवाल नंबर 96 जो है इसका जवाब बिल्कुल सही होता है। ये क्या करते हैं, इसकी जड़ें क्या हैं, उथली होती हैं। कौन सा कथन सही नहीं, तो डेजर्ट ओक के बारे में जो बताया जाता है, पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, बिल्कुल सही। आपको दिख रहा होगा नहीं वाला कि पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ये क्या करता है, वाटर जो है अपनी क्या है, जड़ जो है यह अपने तने में क्या रखता है, पानी को रख के चलता है। लेकिन याद रखना इट हैज सोलो रूट्स, इसकी जड़ें उथली होती हैं। ये वाली बात अगर आपके सामने आएगी, यहाँ, तो अगर 96 का जवाब होगा तो 96 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारी इसके बारे में बातें हैं सही। देखो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पहली इंफॉर्मेशन। इसकी ऊंचाई लगभग क्या होती है 8 मीटर, पत्तियां बहुत कम होती हैं, कांटे ज्यादा होते हैं, इसकी जड़ें जमीन से बहुत गहराई तक जाती हैं जहां तक पानी ना पहुंच, है ना, जब तक पानी ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो सोचो कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ कहाँ के लोग ऐसे होते हैं या कौन से वो लोग होते हैं जो मतलब किस पेड़ के उसमें पाइप डाल के वहां से क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, तो याद रखना जो रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है उसके साथ वाली बात चलती है। जी गुड आफ्टरनून सर, हाउ टू डू गुड स्कोर्स इन सीटेट, प्लीज गिव एनी सजेस्ट टू तेलुगु मीडियम स्टूडेंट। Shweta, I will try to explain it in as soon as possible. For my concern, I just want to say one thing that do try to improve your scores in CDP, EVS, and other pedagogy. If you are not good in math, just try to avoid math content, है ना, just accept math pedagogy. चलेगा, आगे देखेंगे। यहाँ से आपके सामने आता है नया प्रश्न जो आपको दिखाएगा एक नई जानकारी जो है 97, the art of पटचित्र। तो आपने पटचित्र के बारे में सुना होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है जो पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प में आती है। जल्दी बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जो है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब दीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 97, तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 97 दिया है तो 97 जब होगा तो 97 में मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा। तो पटचित्र जो आते हैं बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ। तो उड़ीसा में जितने लोगों ने जवाब दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। और जब सही जवाब दे रहे हैं तो इसकी जानकारी में एक पटचित्र जो है उड़ीसा की क्या है, पारंपरिक क्या है, चित्रकला है। इसमें पट अर्थात कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं को क्या है, दर्शाया जाता है। तो पटचित्र में याद रखना कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं को बनाकर दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नया सवाल आता है क्या होता है ये देखिएगा। कुड़ूक इज द लैंग्वेज, अरे इतनी बार पढ़ ली, कुड़ूक 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 बोल दो, कुड़ूक कुड़ूक। चलो अरे कोई नहीं, वो अंग्रेजी में थी, बता दी मेरे यार। आ जाओ किसी दिन अंग्रेजी की क्लास। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स शुरू करवा दूं, है करवा दो क्या, इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ, प्लस में डिजिटल इंडिया का कुछ कोर्स सोच रहा हूँ। चलो अब आपके सामने जब आता है यहाँ तो नंबर जो होगा भाई बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, झारखंड। बट तुम जानते हो हम तो हम हैं, जिस सवाल का जवाब आसान हो उस सवाल के जानकारी और ज्यादा होगी। अब देवी और सज्जनों और उनके नालायक पुत्र और पुत्रियों, अब छेती एक काम कर दो जल्दी से, ये जो चारों राज्य हैं इनकी राजधानी लिख डालो। चलो होमवर्क में लिख देना, है ना। देखो ये तुम्हें पाप लगेगा अगर तुम काम नहीं करोगे ना मेरा होमवर्क दिया हुआ, तो तुम्हारा 1 नंबर कम आएगा, याद रखना। काम करोगे तो तुम्हारे 2 नंबर ज्यादा आएंगे। चलो अब आपके सामने नया, है ना, ये नहीं जवाब दो, ये रहा। विच स्टेट हैज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन जो होती है, झूम जो खेती, झूम बराबर झूम, तो झूम जो खेती होती है आपको बताना है ये वाली बात कि जो झूम खेती होती है वो कहां पर चलती है ज्यादा, उड़ीसा में, मिजोरम में, बिहार में। और झूमने का मतलब होता है इधर से उधर, इसलिए से स्थानांतरित खेती में भी बोला जाता है। याद रहा जी, बताओ भाई बताओ। तो यहां आपके सामने जो सवाल आया है अब इसका जवाब दीजिएगा। तो आप जब इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आपने इस सवाल का जवाब बिहार दे दिया, मतलब झूम खेती बिहार दे रहे हो, अरे मतलब कमाल ही कर दी तुमने क्वेश्चन नंबर 99 में। मिजोरम कहाँ की है, मिजोरम 99, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मिजोरम। ये रहा, झूम खेती मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणीय जो है कृषि है। इसमें किसान जमीन के एक टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर और जलाकर क्या है, साफ कर लेते हैं, फिर अगली बार दूसरी जगह जाते हैं। नंबर 100 आपके सामने है, आपको बताना है ये वाली बात कि बताइएगा दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले जो पर्व हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आ गए हैं सवाल, जल्दी दीजिएगा जवाब कौन कौन से हैं, जल्दी दे जवाब जी। बताएं तो आपने जो सवाल दे दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप जवाब देने, अरे उड़ीसा की दिसपुर कौन सा लिख रहा भैया, अरे उड़ीसा की दिसपुर है, असम की क्या है मेरे बेटा फिर पागल। हाँ यहाँ नंबर 100 का जो जवाब होगा याद रखना क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर क्या है बिहू तो हटा दो तो बिहू वाला नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये। अरे तुम्हारा भाई बहुत स्मार्ट है, देखो मैं तो स्मार्ट तरीके से सवाल करूंगा, मेरे को पता है असम जो है साउथ इंडिया में नहीं आता, असम में बिहू बनाया जाता है, बिहू को निकालो बाकी आंसर अपना आप छेती पता चल जाएगा। तो इसका अंतर सवाल का जवाब जो होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, सीधी बात है ओणम पोगल उगाड़ी और क्या है विष्णु उगादी और विष्णु, जितने ने जवाब दे दिया वो एकदम क्या आगे बढ़िया है ना। चलो भाई बाकी तो जानकारी तुम्हें पता ही चलेगी। दक्षिणी भारत में फसल काटने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में ओणम जो है वो केरल में आता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में आता है, उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, कर्नाटक में आता है, विशु केरल और कर्नाटक में बनाया जाता है दोनों, जबकि बिहू और भोगाली कहाँ पर बनाए जाते हैं, आसाम में बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, छापो, आगे बढ़ो, नया सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। जय हो प्रभु। आगे वही बात समझ में आया ना, चलो इसी बात पे मार देते हैं। तो उड़ीसा की बेटा भुवनेश्वर है। मैं पता है तुम बहुत चालाक हो, मेरे से पूछ लोगे इसलिए मैं बता नहीं रहा। बताओ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड, जिसको क्या बोला जाता है, डेट प्लम है ना, डेट प्लम आर सीन। नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार जिन्हें खजूर के पेड़ हाँ खजूर बोला जाता है वो दिखाई देते हैं, वो बताइए कौन से में। वो कहाँ पाए, कांधार में आएगा, कराची में आएगा, बर्लिन आएगा, अबू धाबी। बर्लिन जो है वो आपको देखने को मिलता है रूस में, कराची जो है वो देखने को मिलता है पाकिस्तान में, अबू धाबी मिलता है यूएई में, ये मिलता है अफगानिस्तान में। तो आप बताओ सवाल का जवाब, खजूर के पेड़ कहाँ मिलेंगे। तो सवाल नंबर 101 आंसर उन लोगों का सही है जिन्होंने कहा सर जी खजूर है ना बढ़िया। और भैया ये खजूर बहुत बढ़िया होते हैं, आबू धाबी के जो खजूर होते हैं वो क्या होते हैं बहुत बढ़िया। आगे देखो नई जानकारी, आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। आबू धाबी शहर में केवल खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं क्योंकि खजूर ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है, वहां आसपास रेत ही रेत है और वर्षा की संभावना। जबकि तुम अगर आबू धाबी में जाओगे तो वहां तुम ये पाओगे कि पानी के प्राकृतिक जो हैं वो उन्होंने झीलें बना रखी हैं जिसमें उनकी बोट दौड़ती है कि नहीं। बहुत तेज है भाइयों, बहुत दिमाग लगाते हैं। आगे देखो नंबर, ये सवाल आपके सामने है कि ऐसा हुआ कि पक्षियों की एक ना ऐसी जाति होती है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उस सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है और सबसे अच्छा लगने पर उसी में क्या अंडा दे देती है। तो इसका मतलब पक्षियों के बाद भैया ऐसा है, सीधी सी बात समझना, एक जो है ना चिड़िया जो करती है, एक जो जाती है, मेरे मुंह से निकलेगा वैसा आंसर। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक स्वयंवर चलता है ना, समयर जो स्वयंवर चलता है ना, उस स्वयंवर में तो जो चिड़िया है फैसला करती है कि वो एक जो है ना पगलेट 4-5 कीटाणु जानवर से होते हैं पक्षी, वो क्या करेंगे बढ़िया बढ़िया सुंदर घर बनाएंगे। उसके बाद वो लड़की आएगी चिड़िया वाली, वो देखेगी कौन से घर में उसे रहना है और जो उसे घर पसंद आ जाएगा वो बोलेगी, बाकी को क्या बोलेगी रिजेक्ट, और उसको बोलेगी गुड आई लाइक इट। तो जिसको आई लाइक इट बोलने वाली बात आती है तो ये जो होती है ना ये बहुत तेज चिड़िया होती है और चिड़िया का नाम होता है कोयल। कोयल भी वैसे चिड़िया, देखो हर जगह तेजी तो है, कोयल जाके कहाँ दे देती है कौए के उसमें कर देती है काम। तो 102 नंबर का तो ये वाला बात हो गया 102 का साथ। तो इसका मतलब कोयल जो है वो कौओं के देती है। बट उसके बाद सनबर्ड छोड़ दो, बारबेट छोड़ दो, लेकिन वीवर जो बर्ड होती है ये होती है, ये लड़का पसंद करती, लड़का नहीं पसंद करती है, एक्चुअली में घर पसंद करती है। कोयल नहीं होते बेटा, कोयल पसंद नहीं करती, कोयल तो चुपके से दे आते हैं। तो कुआं गधा होता है ना, कुआं गधा होता है इसमें। अब आपके सामने जो नंबर 102 के बाद आएगा इसकी जानकारी ये रही है ना, बहुत चालाक लगे। पक्षियों की एक ऐसी जाति होती है जो पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मतलब ये लड़का गधा होता है ना नर गधा होता है, मादा चालाक होती है, पहुंच जाती है घर में और उसी के बाद उसी पे क्या करती है, इसका मतलब कुछ काम नहीं करना, घर मिल जाना ऐसे ही। चलो भाई आगे, हाँ कोयल को कोई घर बनाने की जरूरत नहीं होती, नीडी नहीं होती, उसके लिए तो कुआं है ना, उसका बेबी सोना है ना, उसका बेबी सोना होता कुआं। याद रखना कोयल का बेबी सोना कौन होगा, कौवा, हमारे यहाँ कग्गा बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एनिमल फ्रंट टीथ की ऐसा देखो, अब ये जानवर कैसा है, इसके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं। तो भगवान ने बहुत सोच समझ की चीजें बनाई हैं। दांत बढ़ते रहते हैं तो इसको एक काम ही दे दिया कि तू कुतर का मतलब होता है कुछ ना कुछ काटता पीटता रहता है। और ये वाली जानकारी इसमें क्या होगा, देखो गिलहरी है, अगर ऑप्शन में मेरे बच्चे ये आ जाए ई ऑप्शन रेट आ जाए तो फिर इसका मतलब जो आंसर होगा वो बी और क्या होगा ई होगा। मतलब यही काम क्या करता है चूहा, उसके भी दांत बढ़ते रहते हैं, वो भी काटता रहता है पीटता रहता है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। डन। गिलहरी के सामने के दांत जीवन में बढ़ते रहते हैं, दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने होते उसे वस्तु क्या है कुतरते रहना पड़ता है। तो भगवान ने इसको यही वाला वरदान दे दिया। 104 नंबर आपको बताना है ये वाली बात कि भैया जो लोग 25 सालों से, जो व्यक्ति वनों में लगभग 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें रहने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये जो राइट है ये कौन से उसमें आते हैं जी। चलिए बहुत बड़े है ना, हाँ हमारे यहाँ कौवा बोलते हैं। ठीक है, तो भैया इस सवाल का जवाब दे दो जो होगा। तो नंबर आपके सामने 104 है और 104 का जो जवाब होगा मेरे बेटा याद रखना, अगर वो 25 साल कम से कम मतलब मिनिमम अगर 25 साल से उसी वनों में रह रहे हैं तो आते हैं राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो 2007 है उसमें ये कहा जाता है कि जो भी लोग उन जंगलों में लगभग भाई 25 साल से ज़्यादा वक्त के साथ रह रहे हैं तो उन्हें वहाँ रहने का अधिकार है, आप छीनेंगे नहीं। तो उन्हें आप जंगल से हटाए नहीं जाने के कारण क्या है नियम, तो उनको हक दिलाता है ये कानून कि अब आप उस आदिवासी के रूप में आप उस जंगल में रह सकते हैं क्योंकि आपका असली घर क्या है वो जंगल ही है, और उस जंगल को बचाते भी हैं और रहते भी हैं। ठीक है, नंबर आता है 105 जूम फार्मिंग इज। तो ये तो पता चल गया था कि जूम फार्मिंग क्या स्थानांतरीय है, ये भी पता चल गया। अब आपको बताना है कि जूम जो खेती है वो क्या है, ऑर्गेनिक खेती होती है बेटा, काट और दुग्ध खेती होती है, कीटनाशकों का होता है, लास्ट में रासायनिक खाद का सीमित उपयोग होता है। सवाल नंबर 105 ऑप्शन नंबर ABCD और 105 का जो सही जवाब होगा तो याद रखना झूम खेती जो होगा, हाँ 2006 में आया था, पारित 2007। ठीक है। चलिए एक नया सवाल आपके सामने आ गया। कल से भाई इस टाइम पे हम बढ़िया सी नई सी क्लास करेंगे तो उसमें आना मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल पारित 2006 में था, लागू 2007। और सवाल नंबर 105 का जो जवाब है वो क्या होगा बेटा, स्लैश और क्या होगा बर्न फार्मिंग, काट और दुग्ध खेती। जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया वो क्या है बढ़िया, झूम खेती काट और दुग्ध खेती है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, सिर्फ गिराकर जला देते हैं। यह जो राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। इसके बारे में स्थानांतरण वाली बात हम ऑलरेडी जान चुके थे। तो मेरे बच्चे आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे है ना। अभी मेरी क्लास है तो मेरी ऑफलाइन क्लास है। मेरी कोशिश है कि मैंने भाई जो वादा किया तुम लोगों के साथ लगातार निभाना। 1-2 दिन कभी तबीयत खराब हो जाए तो तुम समझ लेना, अदरवाइज हम सारे आपके सामने मिलेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी दबा के जाइएगा, बिना घंटी मत दबाना, घंटा दबा देना है, घंटी है वाली। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, चलो कुछ बच्चों की पोर्टल पर क्लास है, फिर कुछ मेरी क्लास है 1:30 बजे, ऑफलाइन क्लास है बेटा मेरा। हाँ दुग्ध का मतलब बेटा दूध होता है ना, हाँ दूध होता है, तो डेयरी उद्योग में काम आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।